बद्रीनाथ से जुड़ी जानकारी तो आपको दे दी, लक्ष्मी विष्णु की बात भी करना जरूरी हो जाता है। आज थर्सडे है, विष्णु जी का दिन है और आपको तो पता ही है लक्ष्मी जी विष्णु जी की पत्नी है, इसलिए अगर आप दोनों को एक साथ प्रसन्न कर लेते हैं तो क्या कहना, विष्णु जी आप पर जरूर मेहरबान होंगे और लक्ष्मी जी मालामाल करेंगी, यानी कि डबल लाभ। विष्णु लक्ष्मी का बड़ा सा चित्र घर में रहना चाहिए। शालिग्राम की रोज पूजा पंचामृत से करनी चाहिए। चंदन आदि लगाकर उनकी पूजा की जानी चाहिए। विष्णु लक्ष्मी मंदिर में हर शुक्रवार को लाल रंग के फूल अर्पित किए जाने चाहिए। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने 11 दिनों तक अखंड ज्योत चाहे तेल का दीपक जलाएं, प्रज्वलित करें। 11वें दिन 11 कन्याओं को भोजन कराकर एक सिक्का और मेहंदी दें। आपने अगर चारधाम की यात्रा पर जाते हैं या फिर किसी भी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। आपको कौन सी 5 चीजें ध्यान रखनी चाहिए वो जानिए। 1, तीर्थ में जाने पर स्नान दान जप करना चाहिए, नहीं तो तीर्थ करने वाले रोग या पाप के भागीदार बनते हैं। 2, किसी जगह किया हुआ पाप तीर्थ में जाने से नष्ट हो जाता है, लेकिन तीर्थ में किया हुआ पाप कभी नष्ट नहीं हो पाता, इसीलिए तीर्थ में आपको अधार्मिक काम नहीं करने चाहिए। जब कोई अपने माता पिता भाई रिश्तेदारों और गुरु को पुण्य दिलवाने के लिए तीर्थ स्थान ले जाता है तब स्नान करने वाले को पुण्य फल का 12वां भाग प्राप्त होता है। जो दूसरों के धन से तीर्थ यात्रा करता है उसे पुण्य का 16वां भाग प्राप्त होता है। जो किसी दूसरे काम से तीर्थ में जाता है वो तीर्थ जाने का आधा फल प्राप्त करता है। जब कोई भी तीर्थ जाता है तो उसके दिल में कोई ना कोई मनोकामना जरूर होती है। ये होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आपकी मनोकामना कैसे पूरी हो सकती है, आइए आपको कुछ अचूक उपाय बताती हूँ। मनोकामना के लिए तीर्थ करते समय मंदिर में कुछ श्रम दान करें। कोई भी छोटा मोटा काम जरूर करें। बिलपत्र पर सफेद चंदन की एक बिंदी लगाकर मनोकामना बोलने से और उसे पारद शिवलिंग पर अर्पित करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। बड़ के पत्ते पर मनोकामना लिखकर तीर्थ के दौरान प्रवाहित करने से भी मनोकामना पूरी हो जाती है। मनोकामना किसी भी भाषा में लिखी जा सकती है। नए सूती लाल कपड़े में जटा वाला नारियल बांध कर किसी जरूरतमंद को दान करने से भी तीर्थ यात्रा में मनोकामना पूरी होती है। तीर्थ में अगर तुलसी का पौधा मिल जाए तो उसको जल से जरूर सींचे, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तीर्थ पर गए हों तो रविवार को पुष्य नक्षत्र में श्वेत आग की जड़ लाकर उसे श्री गणेश की प्रतिमा बनाएं। फिर कुछ मीठा खाकर लाल कनेर के फूल और चंदन से गणेश जी की पूजा करें, मनोकामना जरूर पूरी होगी। बाद में गणेश जी के बीज मंत्र के आखिर में नमः शब्द जोड़कर 108 बार जाप करें। जिस मनोकामना के लिए आपने ये किया वो तीर्थ यात्रा पूरी होने के 30 दिन के अंदर पूरी पूरी हो जाएगी। रोज सुबह 5 लाल फूल हनुमान जी को अर्पित करने से भी मनोकामना पूरी होती है। सुबह काल गौरी शंकर रुद्राक्ष को शिव जी के मंदिर में पूजा करवाने से अपने गले में धारण करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अगर आपको कोई भी पौधा वट वृक्ष के नीचे उगा हुआ दिख जाए तो उसको शुभ मुहूर्त देखकर उस पर दीपक जलाएं। इसके बाद स्नान करने पर धूप जलाकर आप उसकी पूजा करें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अब आपको विष्णु जी से जुड़ी खास जानकारी देने जा रही हूँ। विष्णु जी के 10 अवतारों के नाम बता रही हूँ, आपको जरूर पता होना चाहिए, आपके बच्चों को भी, तभी तो उनमें संस्कार डाल पाएंगे। अभी वो संस्कार आपको और देने की जरूरत है। पहला है मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। दूसरा कूर्म अवतार। भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कि कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी और भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कश्यप अवतार भी कहते हैं। वराह अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने वराह रूप लेकर धरती को बचाया था। नरसिंह अवतार। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप की वध किया था। वामन अवतार। दैत्य राज बलि के 3 लोगों को वापस लेने के लिए वामन अवतार लिया और धरती को बचाया। परशुराम अवतार। परशुराम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक थे। श्री राम अवतार। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म दिया। इस अवतार में भगवान विष्णु ने रावण का वध किया और मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन यापन किया। श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया। श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए और दुष्टों का सर्वनाश किया। फिर है बुद्ध अवतार। बौद्ध धर्म के प्रवक्ता गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु का अवतार ही माने जाते हैं। फिर है कल्कि अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे,
ये अवतार 64 कलाएं जानता होगा।